Ankit, and today in this video I am going to show you our fully biochemistry analyzer SL200 having the throughput of 200 tests per hour. एक घंटे में 200 टेस्ट इससे हम परफॉर्म कर सकते हैं. सो बिफोर स्टार्टिंग द टेक्निकल स्पेसिफिकेशन आई वुड लाइक टू डिस्कस सम एडवांटेज ऑफ ऑटोमेशन एंड चैलेंजेस. सो जैसा कि आप सभी जानते हैं, वी नो वेरी वेल कि जो ऑटोमेशन पे जाने का जो पर्पज़ होता है यूजर्स का, वो यही होता है कि फर्स्ट पॉइंट हमें ये मिल जाता है कि उसके अंदर आपको एक्यूरेसी, टेस्ट एक्यूरेसी और जो प्रिसीजन है वो बहुत ज़्यादा मिल जाता है, क्योंकि उसके अंदर से आपके जो ह्यूमन एरर हैं या जो हैंडलिंग के टाइम पे जो मैनुअल एरर हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं, तो आपको वहाँ पे 100% एक्यूरेसी मिल जाती है. सेकंड बहुत ज़्यादा कम हो जाती है आपकी. एंड थर्ड आपका जो रिपोर्टिंग है वो फोर्थ आपका जो रिपोर्टिंग है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है यहाँ पे. एंड फिफ्थ जो आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. आप हैवी वर्कलोड को भी प्लान कर सकते हैं अपनी लैब के अंदर. अगर आपको डेली के 800 टेस्ट या आपको 600 टेस्ट परफॉर्म करने, तो वो आप मशीन पे कर सकते हैं. तो ये एडवांटेज की वजह से हम ऑटोमेशन पे जाते हैं. बट मेन चैलेंजेस जो यूज़र को आते हैं वो ये आते हैं कि उसमें एक तो जो हार्डवेयर का कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं देना होता है कंपनी को. हार्डवेयर का कॉस्ट मैटर करता है, इंस्ट्रूमेंट का जो प्राइस है वो मैटर करता है. सेकंड आपका जो मेंटेनेंस के जो चार्जेस हैं, जो हिडन चार्जेस कंपनी कभी कभी कंपनी को देना होता है, क्योंकि क्वार्टर बेसिस पे जो साल में 3 या 4 सर्विसेज होती हैं जिसमें आपको पीएम्स का खर्चा देना होता है या ईएमसी सीएमसी का जो बहुत ज़्यादा हैवी पे करना पड़ता है, वो एक मेंटेनेंस का बहुत बड़ा एक चैलेंज बन के रह जाता है यूजर्स के लिए. एंड थर्ड पॉइंट क्या है कि आपके जो एप्लीकेशन सपोर्ट या सर्विस सपोर्ट है वो उस तरीके से नहीं मिल पाता है. इंस्ट्रूमेंट लगाने के बाद कंपनी उस तरह का रेस्पॉन्ड नहीं कर पाती है, या टाइम से इंजीनियर नहीं आ पाता है, या एप्लीकेशन का सपोर्ट सेंट्रलाइज टीम से भी नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से आपका काम रुकता है. एंड जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है आपका कि जो इंस्ट्रूमेंट का जो हैंडलिंग है, जो प्रोटोकॉल है रेडी करने का, जो कैलिब्रेशंस कंट्रोल का जो प्रोसेस है, या जो सॉफ्टवेयर इंटरफेस है जो ऑपरेशन का है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. इस मोटर्स लॉन्च किए हैं जो फिनोवा के अंडर में आते हैं. फिनोवा भी PSR का ही ब्रांच है. तो ये दो मॉडल अभी रिसेंटली हमने लॉन्च किए हैं, SL200 एंड SL120. दिस वन इज SL200. सो हम जो इस लॉन्चिंग के बाद हमने लॉन्चिंग में भी ये चीज़ें एक्सप्लेन किया है कि अभी जो मशीन्स को जो हम देने वाले हैं, कंपनी जो देने वाली है परमानेंट सॉल्यूशन के साथ, जो भी चैलेंजेस आपको फेस करने होते हैं, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट का प्राइस काफ़ी इकोनॉमिकल है और जो मेंटेनेंस है मशीन का, वो आपको उसके बारे में डरने की जरूरत नहीं, उसके बारे में कोई वरी रखने की जरूरत नहीं. क्योंकि क्या होता है कि आपकी जो मेंटेनेंस है वो 3 ईयर के लिए हम दे रहे हैं, कंपनी 3 ईयर की वारंटी के साथ, कंप्लीट वारंटी के साथ, उसमें कोई भी किसी तरह का हिडन चार्जेस नहीं है. 3 ईयर की कंप्लीट वारंटी के साथ मशीन को हम प्लेस करते हैं आपके लैब में. तो आपको 3 ईयर के लिए, या आप अगर आगे भी जाना चाहें 4 ईयर 5 ईयर के लिए भी, आप CMC कंपनी का कंपनी से ले सकते हैं, जिसमें आपको किसी भी तरह का कोई भी हिडन चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं है. और सेकंडली जो हमारा एप्लीकेशन सपोर्ट है वो सेंट्रलाइज टीम पूरा हैंडल करती है, जो एप्लीकेशन का है, और जो हमारा फील्ड स्टाफ है, फील्ड इंजीनियर्स हैं, वो सारा का सारा आपको टाइमली सर्विसेज देते हैं. वो एक पॉइंट हो गया आपका. इसका जो मशीन का जो इंटरफेस है, जो ऑपरेशन है, वो काफ़ी ईजी है, और जो आपका जो हैंडलिंग है, जो मशीन को रेडी करने का जो प्रोटोकॉल है, वो काफ़ी ईजी है. आप इजीली आप इसको कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपको एक लेंथी प्रोसेस में जाने की जरूरत नहीं होती है, और आप मशीन को 20 या 25 मिनट्स में आप रेडी कर सकते हैं मॉर्निंग में आप इसको टेस्टिंग के लिए. तो ये इसका बेनिफिट है. और अब टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की मैं अब बात करूँगा मशीन के. जैसा कि आप देख सकते हैं, सो एज यू कैन सी, ये मशीन का रीजन कंपार्टमेंट है. इसके अंदर जो आपका टोटल, अगर मैं रीजन पोजीशन की बात करूँ, यहाँ पे आपको 60 रीजन पोजीशन मिल रहे हैं, 60 रीजन पोजीशन यहाँ पे आपको मिल रहे हैं. एंड जो सैम्पल पोजीशन है वो भी आपको 60 सैम्पल पोजीशन मिल रहे हैं. एंड रीजन्स में अगर मैं बात करूँ तो 2 टाइप्स के यहाँ पे बोटल्स आपको मिल रहे हैं, जो एक 40 ml का बोटल है एंड एक 20 ml का बोटल है. ये आप इसमें 2 टाइप्स के बोटल हम आपको दे रहे हैं. एंड जो 60 सैंपल पोजीशन है उसके अंदर आप टेस्ट ट्यूब भी प्लेस कर सकते हैं, हिटाचे कप भी प्लेस कर सकते हैं, ये हिटाचे कप आप लेफ्ट में, और ये टेस्ट ट्यूब्स वगैरह आप इसमें प्लेस करते हैं. टोटल 60 रीजन पोजीशन आपको मिल रहे हैं. मैं इसके बात करता हूँ इसके कूलिंग सिस्टम का. जो रीजन कंपार्टमेंट का जो कूलिंग सिस्टम है वो काफ़ी ही इफ़ेक्टिव है, क्योंकि इसके अंदर जो वाटर जो कूलिंग कंपार्टमेंट है उसके चारों साइड एक वाटर कंटिन्यूस वाटर फ्लोइंग सिस्टम है. जो एक पेल्टियर बेस्ड कूलिंग होती है उसमें क्या है कि उतना इफेक्टिव रीजेंट्स को कूलिंग नहीं मिल पाता है, लेकिन इसमें कंटिन्यूस वाटर फ्लोइंग की वजह से क्या है कि टॉप टू बॉटम जो आपको कूलिंग मिलता है वो यूनिफॉर्मिटी के साथ मिलता है,
जिसकी वजह से आपकी रीजन डिग्रेडेशन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और आपको फ्रिक्वेंट कैलिब्रेशन में जाने का जरूरत नहीं होता। अगर आपका रीजन इसमें से आधी बोतल भी आपने कंज्यूम कर लिया या आपका लास्ट में भी कुछ आपका 20 ml वॉल्यूम बचा है, 10 ml वॉल्यूम बचा है, वो भी आपका क्या रहेगा कि आपको उसमें भी कैलिब्रेशन का रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा। तो यहाँ पे कूलिंग की वजह से बहुत ज़्यादा आपको एक स्टेबिलिटी रीजन का बहुत अच्छा मिल जाता है। एंड जो ये पूरा एक रीजन ट्रे एंड जो सैम्पल ट्रे पूरा कंबाइंड है, इसको आप एंड ऑफ द डे जब आपका वर्क फिनिश हो जाता है तो आप इसको कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आप इसको रीजन ट्रे को पूरा फ्रिज के अंदर प्लेस कर सकते हैं। एंड इस मशीन के अंदर आपको दूसरा फैसिलिटी ये भी है कि अगर आपको इसको फ्रिज में नहीं रखना है, आपको मशीन के अंदर ही छोड़ना है, तो इसके लिए अलग से सेपरेट इसमें दो स्विच मशीन के अंदर दिए हुए हैं, एक रेफ्रिजरेशन के लिए, एक पूरा मशीन के लिए है। तो आप तो सिर्फ रेफ्रिजरेशन को ऑन करके छोड़ सकते हैं नाइट में, ताकि आपको इसको फ्रिज में ना रखना पड़े और आपका रीजेंट यहाँ पर रेफ्रिजरेशन में रहे। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर मिल रही हैं रीजन कंपार्टमेंट के अंदर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सीरियल पोर्ट मशीन के साथ इसमें आता है, जिसके थ्रू हमारा इंटरफेसिंग होता है। पूरा का पूरा मशीन एक विंडो बेस्ड सॉफ्टवेयर से ऑपरेट होती है, तो उसके लिए यहाँ पे हम इसको कनेक्ट करते हैं। और ये यहाँ पे 1, 2, 1, 3 ये पूरा इसका एग्जॉस्ट फैन है, ताकि जो मशीन के अंदर जो हीट जनरेट होती है ऑपरेशन के टाइम पर, वो आपका सारे के सारा उसको बाहर कर दे, ताकि आपका जो अंदर के जो कंपोनेंट्स हैं उनका जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल रहे और उनका जो वर्किंग है, जो एफिशिएंसी है, वो आपको एक अच्छा मिले। यहाँ पे ये इसके बेस्ट कनेक्टर हैं, देख सकते हैं, एक लो कंसंट्रेशन बेस्ट एंड हाई कंसंट्रेशन बेस्ट। ये अलग से इसमें आपका एक क्लीनर का लिए पोर्ट आता है, जो क्लीनर आप इसमें रन करते हैं पर टेस्ट के लिए। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसके पावर स्विच हैं, एक जो मशीन के पूरे कंप्लीट जो हार्डवेयर के लिए होता है, और सेकंड जो होता है वो रेफ्रिजरेशन के लिए होता है। अगर आप नाइट में मशीन को बंद करके जाना चाहते हो तो कर सकते हैं, अगर रेफ्रिजरेशन के लिए आप इसी मशीन का रेफ्रिजरेशन यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसी मशीन का रेफ्रिजरेशन यूज कर सकते हैं। आप रेफ्रिजरेशन आपका वो चालू रहेगा, यहाँ पे आपको रीजन ट्रे को बाहर निकालने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये रेफ्रिजरेशन पूरा, अगर आपको नाइट में मशीन ऑन करके जाना है तो आप ये इसका सिर्फ रेफ्रिजरेशन ऑन करके जा सकते हैं। तो ये इसका बैक पैनल है पूरा का पूरा। एंड अब मैं आपको इसका सॉफ्टवेयर इंटरफेस शो करूँगा। कम्स ऑन द सॉफ्टवेयर इंटरफेस ऑफ दिस मशीन, एज यू कैन सी बेसिकली इट्स ए विंडो बेस्ड सॉफ्टवेयर एंड ऑल ऑपरेशंस आर क्वाइट इजी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू डिस्प्ले सैम्पल ट्रे इंटरफेस। एज यू कैन सी है टोटल 60 पोजिशन आपको यहाँ पे विजिबल है, एंड किस पर्टिकुलर पोजिशन पे आपने कौन से सैम्पल को कितने पैरामीटर के साथ अप्लाई किया है वो यहाँ पे आपको विजिबल होगा, और आप उसके साथ साथ इलेक्शन कर भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं सभी पैरामीटर का, और कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सारा का सारा सैम्पल यहाँ पे आपको डिस्प्ले इस सैम्पल ट्रे में देखने को मिलेगा। देन उसके बाद आ जाता है आपका रेजेंट ट्रे। रेजेंट ट्रे में भी आपका जो सारा रेजेंट जो भी आपने लोड किया है मशीन में, वो किस पोजीशन पे आपने किस पैरामीटर को लोड किया वो यहाँ पे आपको विजिबल होगा, प्लस कितने सैंपल्स आप रन कर चुके हैं रीजेंट के अंदर और कितना आपका वॉल्यूम रिमेनिंग है, कितने नंबर ऑफ टेस्ट आपके रिमेनिंग है, वो सारा का सारा यहाँ पे आपको डिस्प्ले होगा। देन उसके बाद आपका जाता है रिएक्शन ट्रे। उसमें रिएक्शन ट्रे में भी आपका जो 81 क्यूबर्ट्स हैं उसमें उनका आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि किस स्टेज में क्यूबर्ट कौन सा क्यूबर्ट यूज़ हो रहा है, अभी अंडर टेस्टिंग है या अंडर क्लीनिंग है या डाइल्यूशन के लिए यूज़ हो रहा है। ये ऑटोमेटिकली जो मशीन का सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू आपका कंट्रोल होता है, तो सारा का सारा आप यहाँ पे सिर्फ मॉनिटर कर सकते हैं। देन उसके बाद आपका आ जाता है जो भी पैरामीटर्स आपको यहाँ पे मशीन में आपके चल रहे हैं उनको प्रोग्राम करते हैं इंजीनियर इंस्टॉलेशन के टाइम पे, तो वो सारा का सारा यहाँ पे प्रोग्राम किया जाता है। एंड देन उसके बाद आपका अगर कोई भी हाइपर रिएक्टिव सैंपल्स मशीन में आता है रन होने के लिए, तो उसमें भी क्या रहता है कि मशीन उसको खुद आइडेंटिफाई करती है सैंपल को और उसको फिर डाइजेशन में रन करती है, तो वो सारी की सारी सेटिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, वो यहाँ पे की जाती है इंजीनियर जब इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है QC सेटिंग्स। QC के अंदर आप जो भी आपका जो थर्ड पार्टी आप कंट्रोल यूज कर रहे हैं उसको सारे को यहाँ प्रोग्राम कर सकते हैं। एंड उसके बाद आपका जो कैलिब्रेशन, आप जो भी कैलिब्रेटर आपका यूज़ कर रहे हैं आप अलग कोई भी थर्ड पार्टी का, जैसे आपका रेंडोक से वायरड या इंटरनल आप कोई कैलिब्रेटर यूज़ कर रहे हैं, तो उसका कंसंट्रेशन यहाँ पे आप प्रोग्राम कर सकते हैं। एंड उसके बाद आपका आ जाता है जो भी आपका कोई कैलकुलेटेड पैरामीटर आप बनाना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आप बना सकते हैं, यहाँ पे उसको प्रोग्राम कर सकते हैं। एंड उसके बाद आपका कोई भी प्रोफाइल है वो सारा जनरली रहता है कि आप प्रोफाइल कितनी भी, जैसे आपका LFT KFT यहाँ पे सारा का सारा प्रोफाइल यहाँ बना के रख सकते हैं। देन उसके बाद आपका कोई भी आपको कुछ क्वेरी है कैलिब्रेशन से रिलेटेड, तो वो आप कैलिब्रेशन क्वेरी में जाके कैलिब्रेशन चेक कर सकते हैं। कोई प्रीवियस कैलिब्रेशन आपको अप्लाई करनी है तो वो यहाँ पे आप जाके कर सकते हैं। एंड उसके बाद आपका जैसे कोई हिस्ट्री भी है तो वो डेट वाइज आप या किसी पीरियड के पर्टिकुलर पीरियड के अंदर कुछ अगर सर्च करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। एंड उसके बाद आपका आ जाता है जो QC क्वेरी है, उसमें LG ग्राफ के जो आपने प्रोग्राम किया पूरा का पूरा जो QC सेटिंग में जाके, तो वो है LG ग्राफ
आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपका कंट्रोल किस तरीके से चल रहा है। उसके बाद आपका आ जाता है कैलिब्रेशन का, जो आपका रहता है इसमें मैक्सिमम आप सिक्स कैलिब्रेशन 6 पॉइंट कैलिब्रेशन तक जा सकते हैं। आप 6 कैलिब्रेटर आप यहाँ पे प्रोग्राम कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यूरिया का हम 2 पॉइंट कैलिब्रेशन यहाँ पे कर रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे जो भी पैरामीटर्स हैं, आप 3 पैरामीटर या 4 या जो भी आप कैलिब्रेशन 6 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट आप कैलिब्रेशन यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो सैम्पल्स है वो मशीन्स के अंदर कंटिन्यूस लोडिंग में रहता है, आपको आप कंटिन्यूसली जो भी सैम्पल्स आपके पास आ रहे हैं वो लोड करते जाएंगे। एंड इसमें आपको कोई इमरजेंसी में कोई स्टैट में रन करने कोई भी सैम्पल, इमरजेंसी कोई सैम्पल आता है तो आप इसमें रन कर सकते हैं, और मैक्सिमम उसका जो जाता है 40 मिनट्स में आपको मशीन रिपोर्ट कर देगी उस सैम्पल्स को। और जो बाकी इसमें आपका सारी सेटिंग्स रहती है, जनरल सेटिंग्स जो आपका जैसे यूजर मैनेजमेंट वगैरह है, और आपको कुछ अलग से बहुत सारी चीज़ें कुछ अलग से यूज़र के लिए अलग से एक्सेस रखना है, तो वो सारी सेटिंग्स यहाँ पे हो जाती हैं। आपको आइटम्स यूनिट आइटम्स वगैरह ऐड करने हैं, या आपको कुछ और चीज़ें आपको जैसे आइटम का कोई जो भी आपके पैरामीटर उनको सीक्वेंस करना है वो यहाँ से कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं, ज़्यादा डीप में मैं नहीं जाऊँगा। और यहाँ पे जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन एलाइज की वो सारी की सारी रहती है, तो ये सारा का सारा इसके अंदर आपका आ जाता है। और यहाँ पे जो आपका जो रेंज आपका जो वाटर है वो यहाँ पे उसका भी मॉनिटरिंग आप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ऊपर राइट में कि आपका जो वेस्ट वगैरह वो भी सारा का सारा यहाँ रनिंग में जब मशीन जाएगी तो यहाँ पे शो करेगा। तो ये सारा सॉफ्टवेयर के बारे में था थोड़ा सा। बाकी आपको कोई भी टेक्निकल क्वेरी अगर कुछ रहता है मशीन के बारे में और कुछ भी एप्लीकेशन सपोर्ट का, अगर ये आपको मैं बता दूँ हमारी सेंट्रलाइज टीम पूरा इसको कंट्रोल करती है। अगर आपके एंड मशीन चल रहा है, अगर आपको कोई हेल्प की जरूरत है तो हमारी जो सेंट्रलाइज टीम है वो एनी डेस्क या टीम के थ्रू उसको पूरा कंट्रोल करती है। तो एप्लीकेशन का आपको कोई इशू नहीं आने वाला है। दूसरा, अगर कुछ अभी मशीन से रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है तो आपको सामने डिस्प्ले पे जो अभी कॉन्टैक्ट नंबर हमारे आ रहे हैं, जो हमारा वेबसाइट है या जो हमारा कस्टमर केयर आईडी है, आप उस पर आप अपना क्वेरी रख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।